मैं यहाँ इसलिए आई थी कि तुम्हें समझा सकूं। इस पागल अबाल से तलाक लो और क्या, और मेरे बेटे की जिंदगी में वापस आ जाओ। तुम तो जानती हो मेरा काशिफ कितना प्यार करता है तुम्हें, है ना? अरे पता नहीं किस मनहूस की नजर खा गई तुम दोनों की खुशियों को, बेड़ा गरक हो उसका। बस लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। आपकी बात खत्म हो गई तो मैं जाऊं, बहुत काम है मुझे। हाँ हाँ जाओ बेटा, मुझे पता है तुम बहुत मसरूफ हो, लेकिन बात सुनो, मेरी बात पे ना गौर जरूर करना। आखिर तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, क्या करोगी इस पागल अमान के साथ? आपने बोल दिया, अब मैं बात करूं? हाँ बिस्मिल्लाह। आपको पता है यहाँ पूरे दिन में ना बहुत ज्यादा बेसहारा मजबूर बहुत खवातीन आती हैं। मैं सबको इज्जत देती हूँ, सबकी बात सुनती हूँ, सबके मसले हल करने की कोशिश करती हूँ। माशाल्लाह। आपकी भी सुनी, घर बिठाया, इज्जत दी, लेकिन आप किस बेशर्मी से बैठकर मेरे शौहर को पागल पागल बोली जा रही हैं? हैरत है मुझे इस बात पर। मैंने रीना शेल्टर होम में आपको रहने के लिए जगह दी, इसका मतलब ये नहीं था कि मैंने आपको अपना लिया है। और लोगों को यूँ इज्जत देना, उनका ख्याल रखना, ये मुझे मेरी मॉम और मेरे पागल शौहर ने सिखाया। अरे नींबू, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, प्लीज मुझे बोल लेने दीजिए। मेरे शौहर जिसको आप पागल पागल बोल रही हैं ना, ये वही अबान है जिसने मुझे दूसरी जिंदगी दी, मुझे अपनाया, मेरे सारे दुखों को अपना लिया, और मेरी वजह से वो दिन मौत से भी टकरा गया, मेरा मुहाफिज बना रहा। मुझे फख्र है कि मैं अबान की बीवी। आज के बाद यहाँ पर आने की या मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका काशिफ आ रहा है ना, आपको मुबारक हो। मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है कि मैं उसके नाम की मिठाइयां खाती फिरूं। अब आप यहां से जा सकती हैं।